नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। शपथ लेने के बाद पहली बार कर रहे बिहार का दौरा। भारत में नया डाक कानून लागू करने की अधिसूचना जारी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। भाजपा के लोकसभा अध्यक्ष को लेकर बनी सर्वसम्मति, अब उपाध्यक्ष पद को लेकर सहयोगी दलों से होगी बात। चेन्नई मुंबई इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना से अड़कंप। मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, 41 हवाई अड्डों को भी उड़ाने की धमकी। बीएमसी मुख्यालय सहित 50 अस्पतालों को उड़ाने की धमकी। अज्ञात शख्स ने भेजा ईमेल, जांच में जुटी मुंबई पुलिस। लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 77,581 स्तर छुआ। निफ्टी 23,630 पर पहुंचा। उत्तर और पूर्वी भारत में प्रचंड गर्मी और लू से मचा हाहाकार। कई राज्यों में पारा 45 के पार। जून के आखिर में आएगा मानसून। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी। लू के थपेड़ों से 10 दिन तक बड़ी राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली में प्रचंड गर्मी से 24 घंटे में 33 लोगों की गई जान। अस्पतालों में बेहोशी, उल्टी व चक्कर आने के बढ़ रहे मरीज। झुलसाती गर्मी के चलते यूपी में अब तक 171 लोगों की मौत। सबसे गर्म रहा उरई। कई शहरों में आंधी के साथ हुई बारिश। असम के करीमगंज के बदरपुर इलाके में भूस्खलन। 3 नाबालिगों सहित 5 लोगों की गई जान। असम में 14 जिलों में बाढ़ से 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित। उफान पर ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह मानता वाला विधेयक पारित। ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना। फिच रेटिंग एजेंसी ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। 2024-25 में 7.2% रह सकती है विकास दर। समाचार के लिए AI का उपयोग वैश्विक रूप से चिंतनीय। सर्वे में सामने आई लोगों का भरोसा कम होने की बात। योगा पार स्पेस नाम से अनूठी पहल की हुई घोषणा। पहली बार अंतरिक्ष यात्री भी करते दिखाई देंगे योग। वर्जीनिया चुनाव में भारतीय मूल के सुहास सुब्रमण्यम की जीत। अब US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए लड़ेंगे चुनाव। नौसेना प्रमुख त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। परिचालन और प्रशासनिक गतिविधियों से कराया अवगत। भारत पहुंचे US प्रतिनिधिमंडल की दलाई लामा से मुलाकात। अमेरिका ने कहा तिब्बत को आजाद देश की मानता जल्द। शरद पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा माहौल बदल रहा है, 10 में से 8 सीटें जीती। यूपी में रहकर कांग्रेस को नए सिरे से संवारेंगे राहुल गांधी। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ देने के लिए कसी कमर। लालू ने बीमा भारती को फिर से दिया RJD का सिंबल। रूपौली से विधानसभा उपचुनाव में आजमाएंगे किस्मत। 24 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे उत्तर कोरिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ मिलकर करना चाहते हैं काम। G7 में पीएम मोदी से मिलकर बदले जस्टिन ट्रूडो के सुर का भारत के साथ। कई बड़े मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ईरान के कश्मार शहर में 4.9 तीव्रता का आया भूकंप। कई इमारतें ढही, 4 लोगों की मौत, 120 घायल। मणिपुर में 3 उग्रवादी गिरफ्तार। बड़ी संख्या में हथियार बरामद। घुसपैठ की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने की कार्रवाई। अब ध्रुव हेलीकॉप्टर नहीं होगा हादसों का शिकार। HAL ने पकड़ ली नब्ज। डिजाइन में जल्द होगा सुधार। CDS चौहान ने साइबर जगत के लिए जारी किया संयुक्त सिद्धांत। जटिल सैन्य अभियानों के दौरान कमांडरों का करेगा मार्गदर्शन। सिक्किम में फंसे 1225 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बारिश और भूस्खलन पीड़ितों के लिए आज भी जारी रहेगा अभियान। सुरक्षा उपायों पर रेलवे ने 5 वर्षों में 1,00,000 करोड़ किए खर्च। बीते 2 दशकों में रेल हादसों में उल्लेखनीय रूप से आई है कमी। भारत से बातचीत पर ड्रैगन की आपत्ति पर ताइवे ने सुनाई खरी खरी। कहा पीएम मोदी और राष्ट्रपति चिंगते को धमकाया नहीं जा सकता। असम के गृह सचिव शिलादित्य चेतिया ने की खुदकुशी। पत्नी के निधन के कुछ मिनट बाद ही ICU में खुद को मारी गोली। ओडिशा के बालासोर में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित। 2 गुटों में बवाल के बाद अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया गया कर्फ्यू। पुणे पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। आरोपी किशोर के खिलाफ सभी सबूतों का दिया विवरण। राहुल के वायनाड सीट छोड़ने पर हमलावर हुई भाजपा और माकपा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया जनता का घोर अपमान। NCERT के प्रमुख DP सकलानी ने अभिभावकों को दी चेतावनी। कहा अंग्रेजी स्कूलों के प्रति आकर्षण आत्महत्या रखने से घटा ज्ञान। पंकजा मुंडे को राज्यसभा या कोई अन्य पद देने की मांग। अभी तक 4 समर्थक टिकट न मिलने पर दे चुके हैं जान। YSRCP सांसद की बेटी ने तेज रफ्तार कार से शख्स को कुचला। हिट एंड रन मामले में बीड़ा मस्तान राव की बेटी को मिली जमानत। अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों के लिए परेशानी बन गया आदेश। अब कंपोजिट अस्पतालों में नहीं मिल सकेगी IPD की सुविधा। असम CM हिमंत बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। कहा CBI को सौंपे फैजान की मौत की जांच का मामला। चुनावों में करार यार के बाद EVM पर भड़के जगनमोहन। बोले चुनाव के दौरान मतपत्रों का ही किया जाए इस्तेमाल। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का पाकिस्तान डॉन से बात का वीडियो वायरल। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल बोले ये पुराना वीडियो होगी जांच। प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी पर भाजपा नेता वी मुरलीधरन का तंज। बोले क्या पलक्कड़ से रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस बनाएगी प्रत्याशी।
19 जून तक चलेगा 17वीं ओडिशा विधानसभा सत्र। पहले दिन सीएम मांझी पटनायक समेत नए विधायकों ने ली शपथ। सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा सांसद अनंत महाराज से की मुलाकात, करीब आधे घंटे चली बैठक। सियासी गलियारों में बड़ी हलचल। हापुड़ में एक बाइक पर एक साथ सात लोग सवार, वीडियो वायरल होने पर 9500 का कटा चलान। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए लागू होगा सर्विलांस सिस्टम, देहरादून में होगा कंट्रोल सेंटर, तकनीक से लैस होंगे 40 चेकपोस्ट। एकेटीयू को साइबर ठगों ने लगाया 120 करोड़ का चूना, बैंक मैनेजर और फाइनेंस अफसर बनकर आरोपियों ने किया खेल। भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच का जल्द होगा ऐलान, सीएससी ने लिया गंभीर और डब्लू रमन का साक्षात्कार। पेरिस ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने दिखाया दम, पावो नूर्मी खेलों के बने विजेता, जीता स्वर्ण पदक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।